हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो है इंडाइसिस या अर्थात घातांक। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होते हैं इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला क्या है कि ए के पावर में जब एम हो, इसका मतलब क्या होता है, यानी ए के पावर में जो एम है यानी यह क्या है, यह घात है जिसको पावर कहते हैं, है ना। और ये क्या है, मेरा बेस है। ये m जो है, m कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। बेस में भी कुछ भी हो सकता है, a के पावर में यानी a कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 डॉट 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 कुछ भी। दोस्तों यानी a के पावर जो m है इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, यानी a के पावर जो m है, कहने का मतलब ये हुआ कि a जो है a m टाइम्स बार आपस में गुना हुआ है। कितने टाइम्स, n टाइम्स, यानी nth बार, n बार, यानी a जो है आपस में कितना, m है ना, यानी m बार, है ना, आपस में कितने हैं दोस्तों, एम बार आपस में गुना हुआ है। जैसे दोस्तों हम जानते हैं क्या, यानी दो के पावर, ए के पावर में दो हो तो क्या हम जानते हैं, ए के पावर में दो का मतलब यह हुआ कि ए को फिर से ए से गुना होगा दो बार। यानी ए के पावर में तीन का मतलब क्या हुआ कि यानी ए गुने ए गुने ए, यानी ए को हम आपस में गुना करते हैं कितने बार, तीन बार। तो ये हमें ए के पावर एम यही बताता है। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, बेसिक है। जैसे दोस्तों ए के पावर में एम हो, ये m मेरा क्या है, निगेटिव इंटीजर है, क्या है, निगेटिव इंटीजर है ना। तो इसका जब ये फॉर्म इस तरह से रहे कि यानी a के पावर में माइनस एम हो, तो हमको इसको डायरेक्ट लिख देना है, क्या, a के पावर में माइनस एम को लिखना है a के पावर में एक वन बट्टे a के पावर में m, इस तरह से हमको बनाना है। अगर दो के पावर में माइनस दो हो तो इसको लिखेंगे एक के पावर में दो के पावर एक के बट्टे में दो के पावर दो, अर्थात एक बट्टे चार। अगर लिखा हो तीन के पावर में माइनस तीन तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि एक बट्टा तीन के पावर में तीन, अर्थात एक बट्टा 27। तो दोस्तों इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन बनाएंगे इसमें यूज आएगा। तो दोस्तों देख ले कि यानी जब ए के पावर में माइनस एम हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ए के बट्टे यानी एक बट्टे ए के पावर में एम लिख करके हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों जब ए के पावर में एम गुने ए के पावर में एन हो, अर्थात यहां जब बेस समान हो और क्या हो, पावर अलग अलग हो, बेस समान हो और पावर अलग अलग हो, तो बेस मेरा कॉमन आ जाता है और पावर आपस में जुड़ जाता है। क्या होता है दोस्तों, पावर आपस में जुड़ जाता है। जैसे अगर यानी दो के पावर में तीन हो, अगुने दो के पावर में चार हो, तो इसको हम किस तरह से लिख देंगे, दो के पावर में तीन और प्लस चार यानी दो के पावर में सात, इस तरह से हम क्वेश्चन को घातांक में बनाते हैं। अगर किसी भी संख्या के पावर अगर जीरो हो तो उसका वैल्यू वन होता है, यानी ए के पावर में जब जीरो हो तो उसका वैल्यू कितना होगा, वन होगा। जैसे अगर आठ के पावर में जीरो हो तो उसका वैल्यू हम वन लिख देंगे। तो ये चीज हमको याद रखना है। अगर ए के पावर में एम हो बट्टे ए के पावर में एन हो, दोस्तों जब इस तरह से हो तो हम उसको ये लिखते हैं कि ए के पावर में एम और माइनस एन। ये कैसे हो गया माइनस एन, तो दोस्तों यहां से जैसे कि अगर हम एक या क्या लिखे हैं, ए के पावर माइनस एम को क्या लिखे, वन बट्टे एम लिखे है ना, वन बट्टे ए के पावर एम, तो हम इसको लिख सकते हैं यानी ए के पावर में एम गुने वन बट्टे ए के पावर ए के पावर में एन। तो यहां इसको हम लिख सकते हैं इसके बराबर, ए के पावर माइनस एन लिख सकते हैं ना, जब ए के पावर में माइनस एम को हम लिखे हैं क्या, ए के पावर में माइनस एम को हम लिखे हैं एक बट्टे ए के पावर एम, तो हम इसको लिख सकते हैं एक बट्टे ए के पावर एन को ए के पावर में माइनस एन लिख सकते हैं, और ये मेरा पहले से है। तो a के पावर में m और गुने a के पावर में माइनस एन, और जब बेस समान हो तो आपस में क्या होता है, जुट जाता है, जुटने के कारण क्या हो गया, ये माइनस था
तो क्या हो गया मेरा a के पावर m माइनस n। तो इस जब a के पावर में m हो और b के पावर में m हो, क्या जब पावर क्या हो समान हो, क्या हो समान हो और बेस अलग अलग हो, क्या हो अलग अलग हो, तो क्या हो जाता है a और गुने b का पावर m हो जाता है। यानी बेस को आपस में गुना कर देंगे और पावर में m का m लिख देंगे। जैसे दो के पावर में क्या हो चार हो और गुने तीन के पावर में चार हो, तो इसका लिखेंगे क्या दो को आपस में तीन से गुना कर देंगे, दो और तीन को क्या कर देंगे बेस को आपस में क्या कर देंगे गुना कर देंगे, दो तिया छः और पावर में लिख देंगे चार। इस तरह से दोस्तों अगला देखते हैं, जब ए के बट्टे में क्या हो एम हो और बी के बट्टे में एम हो, तो इसको लिखते हैं क्या ए और बट्टे में बी का पावर एम। इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट, जब a के पावर में m हो का पावर n हो, तो इसको क्या लिखते हैं यानी पावर पावर में जब n हो, यानी पावर के जब पावर हो तो आपस में गुना हो जाता है, यानी m गुने n। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे इस पे पहले क्वेश्चन किया, अगर दो के पावर में क्या हो चार हो और तीन के पावर में चार हो, तो इसको हम दो बट्टा तीन का होल पावर चार लिख सकते हैं। ये इसका है, इसके हम देख लेते हैं, जब दो के पावर में दो हो का पावर दो हो, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे दो के पावर में दो दुना चार, यानी दो के पावर में अगर दो हो का पावर तीन हो, तो इसको लिख सकते हैं दो के पावर में द्वितीया छः। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, क्या देना है ध्यान, तो जब क्या हो दो के पावर में पावर का पावर हो, इस तरह के जब क्वेश्चन हो का पावर हो, है ना, इस तरह से क्वेश्चन हो, तो क्या हो जाता है इस पावर के ई पावर का हो जाता है, यानी दो के पावर में क्या हो जाएगा ये के पावर दो है, इसका पावर दो दुना चार हो जाएगा। अब ये दो के पावर में कितना हो जाएगा दो का चार, यानी दो के पावर में चार है, तो दो के पावर में चार क्या होता है सोलह, यानी दो के पावर में सोलह। तो यहां पे कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोष से अलग ना किया गया हो, जब पावर का हो, तो उस पावर के पावर में इस तरह से ऊपर से हम एक दूसरे के पावर करते हैं, यानी इसके पावर में क्या है दो है, तो दो के पावर दो, इसके पावर में क्या हो गया तो दो के पावर दो यानी चार, तो इसके पावर क्या हो गया यानी दो के पावर में चार, तो क्या हो गया दो के पावर में सोलह। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों हम लोग देख लिए कुछ घातांक फॉर्मूला, अब दोस्तों देखते हैं करनी यानी शॉर्ट्स, उसमें हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। और सबसे पहले जानते हैं क्या कि अगर जब ए कोई क्या हो इंटीजर नंबर हो यानी परिमेय संख्या हो और एन क्या हो पॉजिटिव इंटीजर हो, तो होता है ना दोस्तों कि ए का एंथ वा मूल क्या है, जैसे हम जिसमें क्या पढ़ते हैं वर्गमूल घनमूल, है ना, तो यानी a का nthवां मूल क्या होगा, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं a के पावर में एक बट्टा n, यानी हम a को n टाइम्स बार तोड़ेंगे और उसमें nवां मूल हम लेंगे। जैसे हम क्या करते हैं दोस्तों देखेंगे वर्गमूल, तो जब a के पावर क्या हो वन बटे दो हो, इसका मतलब ये हुआ कि ए को हम दो भागों में बांटेंगे, उसका जो दूसरा भाग होगा यानी जो एक बटे दो यानी उसका एक जो भाग होगा वह क्या होगा, वही कहता है वर्गमूल। जैसे घनमूल का क्या हो गया, ए को हम तीन बार तोड़ेंगे आपस में, उसका जो एक मूल होगा कोई तीसरा वो हमारा आंसर होगा, जैसे क्या हो गया चार चार, इसका मतलब क्या हो गया यानी हम चार को दो भागों में बांटेंगे, उसरा का जो दूसरा भाग होगा वो, जैसे दो गुने दो यानी दो बराबर भागों में बांट दिए, ये इसका मतलब ये होता है कि दो का स्क्वायर अगुने एक बट्टा दो, ये दो सौ दो सौ कैंसिल हो जाता है दोस्तों, इस तरह इसका आंसर दो आ जाएगा। क्यूब का कहने का मतलब ये है कि जैसे आठ हो, आठ के क्यूब यानी आठ को हम तीन भागों में ऐसे भागों बराबर भागों में तोड़ेंगे और उसका एक भाग आंसर होना चाहिए क्या, तो जैसे दो गुने दो गुने दो तीन बराबर भागों में बट गया, तो इसका जो एक भाग होगा वो मेरा आंसर होगा। घनमूल कहने का मतलब यही है, जैसे दो के पावर में क्यू, इसके पावर में क्या हो गया एक बट्टे में, यानी
ये जो घनमूल है, घनमूल कहने का मतलब क्या है कि एक बट्टे में तीन, पावर में एक बट्टे तीन, यानी तीन से तीन कैंसिल, यानी दो आंसर इस तरह से आ गया। इसी में देख लेते हैं, जैसे 16 का क्या होगा, 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो 16 को हम दो बराबर भागों में ऐसे बांटेंगे और उसका जो एक भाग होगा वही मेरा आंसर होगा। तो 16 को हम 4 × 4 में भाग तोड़ देंगे, यानी क्या होगा 4 का स्क्वायर / 1/2, 202 कैंसिल, यानी इसका आंसर क्या हो गया 4। यानी 4 है जो मेरा 16 का, वह समान भागों में बटा हुआ है जिसका एक वैल्यू है 4। जैसे रहेगा 27, 27 से पूछेगा घन क्या, घनमूल क्या है, घनमूल क्या है कि यानी 27 को हम तीन बराबर भागों में तोड़ेंगे और उसका क्या होगा, जो एक भाग होगा वही उसका क्या होगा, घनमूल होगा। जैसे 3 × 3 × 3, यानी इसमें से कोई एक ले लेंगे हम, है ना, तो और जैसे क्या है, 3 है, 3 के पावर में 3 हम लिख सकते हैं दोस्तों, और क्या हो गया, यानी 3 घनमूल कहने का मतलब क्या है, 1/3 पावर में, 3 से 3 कैंसिल, यानी मेरा 3। दोस्तों जैसे 256 का फोर्थमा भाग कौन है, यानी फोर्थ, यानी 256 को हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे, जैसे स्क्वायर था ना, तो उसी तरह फोर्थ भाग भी हो सकता है ना, तो 256 को हम क्या करेंगे, 256 लिख देते हैं, इसको हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, जो चौथा भाग होगा क्या आंसर होगा। तो इस तरह से यानी 4 × 4 = 16 × 64 × 64 × 256, यानी क्या हो गया मेरा 4 बराबर भागों में बट गया। तो इसका यह क्या, 4 × 4 × 4 × 4, यानी 4 के पावर में 4 क्या है मेरा, 1/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी मेरा आंसर क्या हो गया 4। जैसे दोस्तों 3125 को हम 5 बराबर भागों में, यानी भागों में बांटना है, तो क्या हो गया, यानी 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी 5 × 25 = 25, 125 × 125 = 625, 625 × 3125, 3 यानी कितना 5, तो 5 के पावर 5 का 1/5, 5 से 5 कैंसिल, मेरा आंसर हो गया क्या 5। तो दोस्तों इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को हम बनाते हैं जो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो में बने रहे। हेलो दोस्तों, तो करनी के हम कुछ जो बेसिक इंफॉर्मेशन था वो हमने ले लिया, अब इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं किस तरह से बनते हैं देखते हैं हम इस वीडियो में। तो दोस्तों क्या है कि ये क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर इसे पॉज करके बनाने की कोशिश करें, और उसके बाद तो हम बना ही रहे हैं, अपना आंसर जरूर मिला है। कह रहा है क्या, 8 के पावर में 1/3 का सरलतम मान क्या है। दोस्तों कह रहा है क्या कि हम 8 को क्या 3 बराबर भागों में बांटो उसका, यानी 1/3, यानी जो एक भाग होगा, 3 भागों में 1 भाग होगा क्या होगा। तो सबसे पहले 8, तो 8 को क्या करना है दोस्तों, यानी 1/3 का मतलब क्या हो गया, क्यूब, क्या हो गया क्यूब, यही ना हुआ, तो यानी 2 × 2 × 2, यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा, यानी 2, मेरा आंसर क्या हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 32 के पावर में 2/5, यानी जो 32 है उसको इस तरह से तोड़े कि 5 बराबर भागों में टूटना चाहिए, और उसका दूसरा भाग यानी 2 भाग, उसका स्क्वायर वाला भाग क्या होगा। यानी सबसे पहले 32 को हम तोड़ देंगे, तो 5 बराबर भागों में 2 × 2 × 2 × 2 × 2 क्या हो गया, इस तरह से हो गया दोस्तों, यानी 5 का स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से, है ना, तो यानी यही 5 मेरा क्या आ जाता है, यहां आ जाता है और मेरा रूट हट जाता है, यानी 2 के पावर में 5 × 2 के पावर में 5, 5 से 5 कैंसिल, यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कौन है आंसर, ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोस्तों यहां पे नहीं समझ में आया, कहने का मतलब ये था कि 2 को हम 5 बराबर भागों में तोड़ दिए, उसका जो है 2/5वां भाग क्या होगा मेरा आंसर, वो कह रहा था, तो हम 2 को 5 बराबर भागों में तोड़ दिए, तो 2 के पावर में 5 आया, गुणे 2 के पावर में 5 पहले से था, तो 5 से 5 कैंसिल, यानी 2 के पावर स्क्वायर मेरा आंसर आ जाएगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, जब 243 के पावर में 2/5 का सरलतम रूप क्या होगा। तो सबसे पहले 243 को क्या है, 5 बराबर भागों में तोड़ना है, उसका जो ये स्क्वायर वाला जो होगा क्या होगा, 243 को क्या होगा, तो आंसर में 2 होगा या 3 होगा, 2 या 3, तो इसको कहीं ना कहीं 3 से टूटेगा दोस्तों। तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 9 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
दोस्तों ये आ गया का पावर मेरा क्या है 2/5। हम 1, 2, 3, 4, 5 यानी 3 का पावर 5 गुने मेरा पावर में क्या है 2/5, 5 से 5 कैंसिल यानी 3 का स्क्वायर। मेरा 3 का स्क्वायर, ये मेरा आंसर बी मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन है, और आगे क्वेश्चन देखते हैं करनी पे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से पूछे जाते हैं, तो बनाने की कोशिश करें। यदि √2 n = 64 है तब n का मान बतावे। दोस्तों बनाने की जरूर कोशिश करें, यानी a का वैल्यू 6 होगा, यानी जब n का वैल्यू 6 होगा या 8 होगा या 10 होगा या 12 होगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे इधर अगर 2 है ना, तो इधर भी पावर क्या होगा, बेस में हमको 2 लाने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, तो 64 को हम आपस में क्या करना होगा, गुणनखंडन करना होगा, करेंगे यानी 2 के पावर में मेरा कितना गया 6 आ गया। दोस्तों 2 के पावर में 6 आ गया, तो इधर क्या है 2 के पावर में n = 2 के पावर में 6। तो जब हमको यानी दोनों तरफ समान लाने के लिए n का वैल्यू हमको निकालना है, तो इधर रूट में है, तो इधर अगर रूट में लाने के लिए या इसको रूट को हटाने के लिए बोथ साइड अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ये रूट हट जाएगा, अगर स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, और 6 × 12 यानी 2 के पावर n = 2। जब पावर के पावर में हो यानी कोष्ठ घिरा हो तो क्या हो जाता है, आपस में गुना हो जाता है, बताया था दोस्तों, यानी 6 × 12 यानी n का वैल्यू यहां पे क्या आ गया मेरा 12। दिस इज आंसर। तो इस तरह से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब इस तरह से क्वेश्चन हो कि x³ 3² हो गुने x² 4 हो बट्टे x² 10 हो बराबर x²p, तब p का मान क्या होगा। तो यहां पर से पावर निकालना है दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे, x या हम क्या बताए थे, जब a के पावर में m हो का पावर n हो तो आपस में क्या होता है गुना हो जाते हैं, यानी द्वितीया 6 × x²⁴ बट्टे में x²⁰। दोस्तों आगे क्या बताए थे हम कि जब बेस समान हो क्या हो और पावर अलग अलग हो तो जुड़ जाता है, तो x²⁶ + 4 बट्टा में x+10 यानी x+10 / x+10। दोस्तों क्या बताए थे, जब बेस समान हो क्या हो और वह क्या हो बट्टे में हो तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, यानी x यानी 10 - 10 क्या हो गया x²⁰। x²⁰ का मतलब क्या होता है, जब किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया 0, यानी x सॉरी वो तो नहीं लेकिन पूछ रहा था यहां x²p यानी जो मेरा x के जगह पे यानी p के यहां पे क्या आया, यानी p के जगह पे क्या आया मेरा 0। दिस इज आंसर मेरा, ये हो गया। तो दोस्तों ये था मेरा कुछ बेसिक क्वेश्चन, तो जरूर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें जिससे उन्हें भी ये जानकारी हो सके, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे मेरे हर आने वाले वीडियो आप तक पहले पहुंचे। जय हिंद।